नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ शुभ प्रजा। भारतीय सेना के जवान अभिनंदन के भारत वापस आने को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इसे भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी की कूटनीति बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। पब्लिक तो ये जानना चाहती है कि तुम बताओ ना, पुलवामा में जो इनपुट था खुफिया तंत्र का, उस पर आपने क्यों से कदम उठाए? यही हुआ था पठानकोट में, और ऐसी घटना हुई थी उरी में। हमला से पहले खबर थी कि हमला होने वाला है। हम मासूम जवानों को शहीद होने देते हैं, उसके लिए कोई कदम टाइमली नहीं उठाते? ये काम विपक्ष का है कि सरकार का है? तो सरकार कहीं ना कहीं अपने उन कर्तव्यों से विफल हो रही है, और उसको ढकने के लिए अब प्रॉक्सी वार चल रहा है। भाई, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, कौन रोक रहा है आपको? सिखाइए ना पाकिस्तान को सबक सिखाइए। जो लोग हमारे देश को कमज़ोर करना चाहता है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, उसको मारिए ना, हम सब साथ हैं। लेकिन आप बीजेपी का वोट बढ़ाने के जुगाड़ में अगर आप लगेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में हैं उन्हें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। नरेंद्र मोदी राष्ट्रनायक को भी अभी खुद सलाम कर रहे हैं, जिनके कूटनीतिक प्रयास से आज पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पाकिस्तान को अपने कदमों तले अगर किसी ने झुकाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी सेना का जो पराक्रम और शौर्य था, उसके आगे पाकिस्तान झुका है, ये बहुत बड़ी सफलता है। हम तमाम देशवासियों को मिलकर अभिनंदन करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था? जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड, तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड। दर्द भगाए फुल स्पीड।